नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज इस हाथ के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद पूरे पाम का एनालिसिस कर आपके सामने व्यक्त करूंगा। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि फिंगर से क्या क्या यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। फिंगर की लेंथ हाथ के कंपेरिजन में जो है नॉर्मल है, शॉर्ट नहीं है और ना ही ज़्यादा लॉन्ग है। देखा गया है तब भी कि ऐसे लोगों में एनालिटिकल पर्सनैलिटी अच्छी होती है, स्टैंड लेने वाले होते हैं, मतलब अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं, हर तरीके से अपने काम निकलवाते हैं। ऐसे लोगों के काम ज़्यादातर रुकते नहीं हैं, उनसे संबंधित जितने भी कार्य हैं ये सभी जो है पूर्ण होंगे। देरी भले ही कभी कभार हो सकती है, लेकिन पूरे तकरीबन ये सारे जो काम हैं अपने करवा के ही रहेंगे दूसरों के द्वारा। फिंगर के बीच में कुछ जो है गैप मेंटेन हो रहा है, जो कि शो करता है इंडिपेंडेंट अप्रोच को, स्वतंत्रता में, खुले में जीना ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद है, मतलब किसी के दबाव में नहीं रहना चाहते। वहीं स्वतंत्रता चाहिए सोचने विचारने डिसीजन लेने में, A to Z इनको इंडिपेंडेंट अप्रोच बेसिकली ज़्यादा होती है। और लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन ठीक है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक पहुँची है। सीधे तौर पर ऐसे जो लोग हैं लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं, ज़्यादा हिचकिचाहट घबराहट नहीं होती। स्ट्रेंजर नए लोगों के साथ भी आसानी से घुल मिल जाने वाला व्यक्तित्व होता है और अपनी बात सीधे तौर पर रखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी पाई गई है, मतलब जो दिल में है उसको मुंह पर आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत साफ तौर पर अपनी बातों को दूसरों के सामने व्यक्त रख मतलब कर लेने वाले व्यक्तित्व होता है। फर्स्ट फिंगर थर्ड फिंगर की लेंथ चर्चा की जाए, थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा है। सन की क्वालिटी ज़्यादा रहेगी, यानी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी पाई गई है। किसी भी चीज़ को क्रिएट कर देना या फिर कोई भी चीज़ है उसको नए तरीके से लोगों के सामने पेश करना बहुत बेहतरीन तरीके से आता है। ऐसे लोगों को आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ अच्छी पाई गई हैं, कोई ना कोई एक बहुत अच्छी कला पाई जाती है जिसको अगर ये लोगों के सामने लाएँ या बाहरी दुनिया में लेके आए तो लाइफ में एक ना एक बार अच्छा फेम पॉपुलरिटी मिलने का योग बनता है। रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटी यानी इज्जत के बहुत प्यारे होते हैं, रिस्पेक्ट का बहुत ख्याल रखने वाले होते हैं और इनको यही सुझाव है कि जो भी इनके अंदर कला है उसको बाहर लेके आए। फेम पॉपुलरिटी के साथ साथ मनी वगैरह सब आपको मिलना तय है। फिंगर के ऊपर साफ तौर पर सीधी खड़ी रेखा देखने को मिलेगी, जो शो करती है फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को। तो ऐसे लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाने वाले होते हैं, ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होता है और तकरीबन हर माहौल में ढल जाने वाले भी होते हैं। परंतु कुछ आड़ी रेखा भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो शो करती है कि अपनों से ही अनबन मतभेद रहने का योग है। अपने गुस्से पर कंट्रोल करें आप, आपका गुस्सा खराब है, दूसरों के नज़रिए में बहुत भयानक रहेगा, लेकिन इस पे गर्व करने वाली बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका गुस्सा आप ही को डुबा रहा है और डुबाएगा भी। तो ध्यान रखिए इसके ऊपर, गुस्से पर कंट्रोल होना चाहिए। आते हैं पाल्म के ऊपर, तो पाल्म साइज जो है कुछ इस प्रकार से रेक्टेंगुलर शेप में जो है देखने को मिल रहा है। रेक्टेंगुलर यानी इस प्रकार से जो है चौड़ाई कम है, लंबाई ज़्यादा है। ऐसा व्यक्ति बोलता ज़्यादा है कर्मों के करने के हिसाब से, मतलब कर्म करेंगे बहुत कम, उसके अपेक्षा बोलेंगे बहुत ज़्यादा। तो इससे कोई ना आपको बेनिफिट मिलना है ना सामने वाले को कुछ असर पड़ना है। आपको बस ये ध्यान रखो कि जो भी काम करना है उससे पहले किसी को कुछ भी बोलना नहीं है कि मुझे फ्यूचर में ये करना है, मैं अब जाके ये करूँगा, ये वो ये वो ये वो। कहीं ना कहीं एक जो आग होती है अंदर की, या फिर वो एक जज्बा होता है करने का, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाता है बोलने के कारण, या फिर कह सकते हो कि नज़र भी वगैरह बहुत आसानी से दूसरों की लग सकती है। तो ऐसे हाथों में यही प्रॉब्लम होती है, यानी ऐसे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि ये लोग जीवन में सोच जो थिंकिंग होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है, बहुत प्लानिंग होती है, सब होता है A to Z। इतना होता है कि कोई अगर सुन जाए तो वो तो एकदम बोले वाह यार, लेकिन जब करने की बारी आई तो फिर कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, थक जाते हैं, या फिर खुद ही एक वो आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं जवाब दे देता है, या फिर आलसपन आ जाता है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, बोलिए कम करिए ज़्यादा। आते हैं पर्वतों के विषय में, क्या क्या देखने को मिलता है पर्वतों पे हमको। तो गुरु पर्वत जो है शुभ है इनका, गुरु पर्वत यहाँ पर नॉर्मल है, परंतु आकृतियों के द्वारा ये जो है पर्वत बहुत शुभ हो गया है। गुरु पर्वत पर निकलने वाली प्रोग्रेस लाइन जो है अत्यंत शुभ है। व्यक्ति मेहनत, अपने खुद के मेहनत, खुद के बलबूते पर खूब आगे बढ़ने वाला होता है और अपनी सारी इच्छाओं एवं मनोकामनाओं को खुद के बलबूते पर पूरा भी करने वाले होते हैं।
आड़ी रेखा कहीं ना कहीं आपको धार्मिकता की तरफ ज़्यादा खींचेगी, वहीं दयालुपन ज़्यादा रहेगा। और इंडिपेंडेंट बॉक्स यहाँ पर बनते हुए देखा जा रहा है, स्क्वायर साइन, ये बहुत शुभ चिन्ह होता है। व्यक्ति का जीवन में खूब इज्जत और प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है, सोसाइटी में अच्छा एक रेपुटेशन होता है। अगर आप टीचर या लीडरशिप क्वालिटीज़ में अगर चल जाएं, मतलब फील्ड में, यानी टीचर के रूप में लोगों के सामने प्रकट हों, तो इतना आपको सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी कि पूछें मत। फेम पॉपुलैरिटी तो उससे मिल ही रहा है, दूसरा जो धनागमन है वो भी अच्छा होगा, और सारी इच्छा मनोकामना उसके द्वारा होगी। और ये बॉक्स का साइन कहीं ना कहीं जीवन में एक प्रोटेक्शन देता है मनी से रिलेटेड, कि आपको जब भी ज़रूरत होगी मनी आपके पास अवेलेबल होगा, थोड़े बहुत प्रयासों से ही आपके पास धन जो है, जो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए उतना आ जाएगा। शनि पर्वत जो है दबा हुआ है, जिसके कारण परिणाम हो निकलने में, इच्छा मनोकामना होने में देरी जरूर रहने वाली रहेगी। जल्दी जल्दी काम नहीं बनेंगे, अड़चनों के बिना कोई भी काम या बाधाओं के बिना कोई भी काम बनना नहीं है आपके, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर जो इस प्रकार की रेखा है अत्यंत ही शुभ है। एक से ज़्यादा सोर्स से अर्निंग को शो कर रहा है। आपका जो 60 के बाद का जो समय रहेगा, जो बुढ़ापा का आपका समय आएगा, उसमें बहुत सारे माध्यमों से अर्निंग रहेगी, धन आएगा, सुख समृद्धि रहेगी। परंतु कुछ आड़ी रेखाएं हैं जो इसको दूषित कर गई। यहाँ पे ये आड़ी रेखाएं सीधे सीधे यही बता रही है कि ये अब होने में जो है मुश्किल रहेगी, बाधाएं आएगी, व्यक्ति जो है चिंतित रहेगा, उदासीनता आएगी जीवन में। उदासीनता मतलब उदास रहने लगेगा। उदास कब होता है व्यक्ति? जब उसके ड्रीम पूरे नहीं होते, इच्छा पूरी नहीं होती, तो इच्छा भी पूरे होने में तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। इसमें रीज़न तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उपाय सिंपल है, शनि के उपाय करने हैं आपको, क्योंकि शनि के ऊपर इस प्रकार की रेखा कहीं ना कहीं शनि ही ग्रह में, जो आपकी कुंडली में भी अगर एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं शनि ग्रह ही प्रभावित ज़्यादा दिखेंगे। उपाय इसके करना बेहद आवश्यक है, जल्द से जल्द उपाय प्रारंभ करें। और यहाँ पर जो है गर्डल ऑफ वीनस जैसी हल्की सी आकृति निकली हुई है, प्रोमिनेंट नहीं है, पूरी साइज में नहीं है, व्यक्ति को मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी मूड में अचानक से चेंजेस आप में आएंगे, कभी बहुत खुश, कभी बहुत उदासीनता, कभी रोने लग जाना, कभी गुस्सा हो जाना, ये मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम नॉर्मली पाया जाता है। बीच की ये रेखा नॉलेज लाइन होती है, सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद भी ऐसे लोगों के पास नॉलेज अच्छा होता है, नॉलेज अच्छा गेन कर लेते हैं लाइफ में। और जो सूर्य है, वो सूर्य रेखा जो प्रारंभ हुई है वो हृदय रेखा से ही होते हुए जा रही है, और कुछ इस प्रकार से क्रॉस का साइन नीचे बन रहा है। पिता से विचारों में मतभेद होने के चांसेस बनते हैं, परंतु कम रहेंगे, क्योंकि नीचे थोड़ा सा ये पर्वत के नीचे बन रहा है, जिसके कारण प्रभाव इसके कम हो जाते हैं। परंतु समाज में कॉम्पिटिटर या नाम बिगाड़ने वाले, पीठ पीछे छुरा जो खोपने वाले होते हैं, बहुत मिलेंगे, ऑटोमेटिकली मिलेंगे। कुछ और भी रेखाएं हैं यहाँ पर जो ब्रांचेस इसमें से निकल रही है, परंतु सूर्य रेखा का होना शुभ होता है। व्यक्ति बहुत उच्च पद प्राप्त करता है, फेम पॉपुलैरिटी इज्जत सम्मान वगैरह सब अच्छे से मिलता है, सरकार की तरफ से सहयोग मिलता है, परंतु स्ट्रगलिंग जीवन जो है हो जाता है, संघर्ष में जिंदगी थोड़ा सा हो जाता है। मरकरी पर आते हैं सीधे, तो मरकरी पर देख पाएंगे कि एक से अत्यधिक रेखा अत्यंत शुभ होती है। मरकरी जो है आपका बुध जो है बहुत शुभ है, ये आकर्षित व्यक्तित्व का एक चिन्ह होता है, जो बताता है कि व्यक्ति में कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है कि लोग इनके तरफ खींचे चले आए, या फिर आप जो है लोगों को बांधे रखें। तो ये एक प्रकार का बिजनेस लक है, जो बिजनेस में आपको अच्छा सक्सेस देगा, और इस क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं से कोई रुकावट नहीं आने वाली है, क्योंकि ये क्षेत्र शुभ है। एक है हल्की सी आड़ी रेखा आ रही है जो थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है, परंतु ज़्यादा जो है ये रेखा प्रोमिनेंट नहीं है, ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। बिजनेस के क्षेत्र में आसानी से सफलता मिलने का योग बन रहा है। यूनियन लाइन एक से ज़्यादा है और गाढ़ी भी है, तो ये बताती है कि अटैचमेंट और अफेयर जो है आपका एक से ज़्यादा बार रहने वाला है, मैक्स टू मैक्स या मिनिमम टू मिनिमम में बोलूँ तो 2 से 3 रहेगा। बहुत जल्दी ध्यान आपका जो है चल जाएगा विपरीत लिंग के प्रति, क्योंकि इस प्रकार की आकृति व्यक्ति व्यक्ति को फ्लर्टी नेचर, रोमांटिक किस्म का ज़्यादा बना देती है। आप जो है हसमुख किस्म के रहना चाहते हैं, खुश मिजाज रहना चाहते हैं, परंतु परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो होने नहीं देती। आते हैं अब सीधे यहाँ पर हृदय रेखा पे, तो हृदय रेखा का प्रारंभ हो रहा है आपके कुंडली
कुल मिलाकर शनि के क्षेत्र से इस प्रकार से रेखाएं टूटी हुई हैं थोड़ी। इस प्रकार से प्रारंभ होने वाली जो हृदय रेखा है शनि पर्वत से जो प्रारंभ होती है, तो ये व्यक्ति को सेल्फ फोकस, करियर फोकस बनाने के साथ साथ मनी से रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा दे देती है। यानी मनी से रिलेटेड चिंताएं व्यक्ति जीवन में बहुत करता है। जितना भी आपके पास धन आ जाए तब भी आपको कहीं ना कहीं ये आशा रहेगी, या फिर ये आपका एक सोच या फिर एक कहना रहेगा कि ये तो बहुत कम है, मुझे और चाहिए, इससे क्या होगा। मतलब ये है कि मनी से रिलेटेड कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मनी मतलब कमाने के तरीके, कमाने के सोर्सेज बहुत ज़्यादा ढूंढते रहते हैं और मनी के पीछे बहुत ज़्यादा ही भागने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। बुरी बात नहीं है ये, लेकिन ये एक फीचर है जो मेरे को बताना था आपको। हृदय में रेखा जो है बार बार टूट रही है, वापस बन रही है, टूट रही है, बन रही है, तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज तकरीबन 30 एज के बाद थोड़े से बढ़ जाएंगे। उतार चढ़ाव थोड़ा सा स्वास्थ्य में आपके रहने वाला है। आते हैं आप सीधे आपके माइंड लाइन के ऊपर। माइंड लाइन जो है इस प्रकार से नॉर्मल है, और इस प्रकार से जो ये रेखाएं ऊपर की ओर निकल गई है ये बुध पर्वत की ओर जा मतलब इशारा कर रही है, जो बताती है कि व्यक्ति का मस्तिष्क दिमाग जो है व्यापार के क्षेत्र में बहुत काम करेगा, और व्यापार के क्षेत्र में आपका दिमाग ही जो है आपको सफलता का एक केंद्र बना के देगा। क्योंकि ये साफ साफ इंडिकेशन यही करता है कि ऐसे लोगों का दिमाग बिजनेस में खूब चलता है और बहुत अच्छा अचानक से खूब सक्सेस मिलने लगता है और मिलता रहता भी है। तो ये भी एक शुभ चिन्ह देखने को मिला। और थोड़े से लोगों के बहकावे में या फिर लोगों का कहा अनुसार ज़्यादा सुनोगे आप, तकरीबन 35 एज के बाद से ये इसमें थोड़ा कम आएगा। सेल्फ डिसीजन, सेल्फ मेकिंग डिसीजन ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दोगे। लाइफ लाइन का जहाँ तक देखा जाए तो लाइफ लाइन का प्रारंभ कुछ इस प्रकार से है, और फिर तकरीबन 18 के आसपास से थोड़ा लाइफ में चेंजेस हुआ है, और इस प्रकार से रेखा जो है बाहर की ओर निकलती हुई जा रही है। फॉरेन जाने के योग अच्छे हैं, विदेशी भूमि से कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव अब रहने वाला है फ्यूचर में, और शुक्र के तरफ से आती हुई ये रेखा जो इसके साथ जुड़ गई है, जिसके कारण आपका जो है परिवार के तरफ भी ज़्यादा ध्यान रहेगा, या कह सकते हैं कि फैमिली की तरफ से आपको अच्छा सपोर्ट या अटैचमेंट मिलने का योग बनता हुआ देखा जा रहा है। जीवन रेखा में जो प्रॉब्लम्स हैं वो दिख रही हैं, ये जो मंगल रेखा है, राहु रेखा है, ये सब जो लाइनें हैं यहाँ पे, ये सब तो ये थोड़े से जीवन में उतार चढ़ाव देने का जो मैं कह रहा हूँ उसका रीज़न ये भी है सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जितनी रेखा काट रही हैं उस उम्र में ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है, ज़्यादा तकलीफें आती हैं, ज़्यादा बाधाएँ आती हैं। मंगल के क्षेत्र से निकलने वाली ये जो रेखाएँ हैं ये बताती है कि फ्यूचर का बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आज का दिन निकल जाता है लेकिन कल का जो है सोचना पड़ता है कि कल क्या होगा, कैसे निकलेगा, इस प्रकार का टेंशन नॉर्मल होता है। तो ये जो है स्टार्ट हुआ तकरीबन 20s के एज से, जो कि तक चल रहा है 40s के एज तक, और ये जो है चिंताएं रेखा है ज़्यादातर जो लाइफ लाइन को थोड़ा अफेक्ट कर रही है। थोड़ा चिंतित आपका जो है जीवन बन जाएगा, ज़्यादा चिंताओं वाला बनेगा। इसका कहीं ना कहीं रीज़न शनि माउंट है, शनि पर्वत है, शनि ग्रह है। उपाय करना, इसीलिए मैंने कहा था कि अति आवश्यक है, इसके उपाय करेंगे अत्यंत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मंगल का क्षेत्र जो है उभरा हुआ है, शारीरिक बल बहुत रहेगा, आक्रामकता, गुस्सेल स्वभाव ज़्यादा रहने वाला है, ऊर्जा भी अच्छी खासी रहेगी, परंतु आक्रामकता, गुस्सा जो है कहीं ना कहीं आपको डुबा ले जाएगा। उसके लिए भी आपको जो है शुरुआत में ही मैंने कहा था कि इसलिए इस पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताओं को व्यक्त करती है कि व्यक्ति खुद के द्वारा कुछ ऐसे कर्म कर जाता है जिसके कारण चिंताएं ज़्यादा हो जाती हैं, परंतु सीधी खड़ी रेखा भी है यहाँ पर जो बताती है कि लग्जरीज और सुख सुविधा के साधन अच्छे रहेंगे जीवन में, कोई कमी नहीं है। पैरेलल चलने वाली ये लाइन सपोर्ट को शो करती है, जो कि तकरीबन 30s के एज के बाद से दूसरों का सहयोग मिलना प्रारंभ अच्छे से होगा। केतु पर्वत नॉर्मल है, चंद्र के क्षेत्र से निकलने वाली ये रेखाएं हैं जो विदेश जाने के योग को कंफर्म करती है, और विदेश में एक से ज़्यादा बार यात्राओं को व्यक्त करती है। दूसरी ये है कि भाग्य रेखा का भी प्रारंभ जो है चंद्र के क्षेत्र से हुआ है, बाहर जाने का योग पक्का है, और बाहरी दुनिया और बाहरी भूमि फॉरेन के द्वारा आपको जो है अर्निंग का सोर्स भी मिल सकता है अच्छा, और लोकप्रियता भी मिल सकती है। साथ ही साथ शादी के बाद बहुत अच्छा आपका प्रोग्रेस रहने वाला है 101%। वाइफ का सपोर्ट और उसके घर वालों के तरफ से जो धनागमन होगा उससे ज़िंदगी संवर जाएगी,
और शादी के बाद से बहुत बेहतरीन प्रोग्रेस रहेगा। लाइफ लाइन से निकलने वाली जो रेखाएं हैं, ये सारी की सारी जो है बिजनेस लक है जो सक्सेस को शो करती है बिजनेस में, जिसके कारण मनी ट्रायंगल भी यहाँ पर बनता हुआ देखा जा रहा है। तो धन तो वैसे अच्छा है, कमी नहीं है, बिजनेस के द्वारा अच्छा धन रहेगा। आपको परेशानी जो है कि एक क्षेत्र में कतई नहीं आएगी, वो है बिजनेस, और बिजनेस आप किसी से भी रिलेटेड कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। इंडिपेंडेंट लक लाइन भी निकल रही है, सपोर्टिव जो लाइफ लाइन से स्टार्ट हो रही है, खुद के मेहनत बलबूते पर आगे बढ़ेंगे, साथ ही साथ ये जो है शनि के उपाय कर जाए, थोड़े बहुत उपाय कर जाए तो ज़िंदगी और संवर जाएगी और जितनी परेशानियां हैं सब खत्म हो जाएगी। तो इस हाथ में तकरीबन जितनी बातें थी सब मैंने